रंग रूप और हाइट किसी भी करियर में बाधा नहीं डाल सकती, और अगर इंसान के अंदर जज्बा हो तो वो इन सब बेड़ियों को तोड़कर आसमान को भी छू सकता है। इस लाइन को डॉक्टर गणेश बरैया ने सच साबित कर दिखाया। ये शख्स अपनी हाइट की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसने हार नहीं मानी और आखिर में अपना सपना पूरा कर ही दम लिया। दरअसल हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो डॉक्टर गणेश बरैया है, जो गुजरात के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। डॉक्टर गणेश बरैया की हाइट 3 फीट है, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर बनने से रोक दिया गया। 23 साल के डॉक्टर बरैया को कुछ साल पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एमसीआई ने एमबीबीएस करने से रोक दिया था, क्योंकि उनकी हाइट कम थी। हालांकि डॉक्टर बरैया इस फैसले से घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने स्कूल प्रिंसिपल की मदद ली और अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ पहुंचे, फिर राज्य के शिक्षा मंत्री और यहाँ तक कि वो गुजरात हाईकोर्ट तक चले गए। गुजरात हाईकोर्ट में डॉक्टर बरैया ने एमसीआई के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। यहाँ उन्हें हार मिली, मगर उन्होंने हौसला नहीं खोया। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहाँ 2018 में उन्हें जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एमसीआई के आदेश को पलट दिया। इस तरह डॉक्टर बरैया ने 2019 में एमबीबीएस में एडमिशन लिया। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वो भावनगर के सरकारी अस्पताल में इंटर्न के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कि इस संघर्ष भरी लड़ाई पर डॉक्टर बरैया का क्या कुछ कहना है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि आपकी 3 फीट हाइट है, इसलिए आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते, तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने रिजेक्शन के बाद नीलकंठ विद्यापीठ चला जाके प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की कि सर ऐसा हुआ है तो अब आगे क्या करें। तो उन्होंने भावनगर के कलेक्टर अर्षद भाई पटेल और शिक्षण गुजरात शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा उनसे मीटिंग की और उनसे बात की कि अब क्या कर सकते हैं। तो हमारे भावनगर के कलेक्टर के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। हमारे साथ दूसरे दो और कैंडिडेट शामिल हुए। हमारे साथ दूसरे दो कैंडिडेट इस केस में शामिल हुए, एक शेख मुस्कान जो बड़ौदा से थी और दूसरी हिना मावसिया जो राजकोट से थी। हम तीनों ने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। गुजरात हाईकोर्ट में 2 महीने के बाद हम केस हार गए। तब बहुत उदास रहा और पर दलपत भाई और रेवत सिंह ने ये डिसाइड किया था हम हाईकोर्ट में केस हार गए तो क्या हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट का 2018 में जजमेंट आया कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है। इसलिए पर उस समय 2018 में एमबीबीएस के एडमिशन की ये प्रोसेस खत्म हो गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आपको 2018 में नहीं पर 2019 में एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। इसलिए मैंने 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। हाइट की वजह से रोजाना की चुनौतियों पर बात करते हुए डॉक्टर बरैया ने बताया कि शुरुआत में मरीजों ने मेरी हाइट को लेकर संकोच किया, लेकिन वक्त के साथ वो कंफर्टेबल हो गए और उन्होंने मुझे डॉक्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि जब भी मरीज मुझे देखते हैं तो पहले थोड़ा चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वो मेरी बात मान लेते हैं और मैं भी उनकी शुरुआती व्यवहार को स्वीकार कर लेता हूँ। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए समय डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।